अगली खबर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से है, जहां विदिशा में बाल विवाह का मामला सामने आया था। ग्रामीण क्षेत्रों में एक दो नहीं बल्कि 5 विवाह हो रहे थे, जिसमें से 3 बाल विवाह को टीम ने रोक दिया। इस कार्रवाई में बाल विवाह रोकने गई टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सरकार ने भले ही बाल विवाह को रोकने के लिए कई कानून बनाए हों, लेकिन अब भी बाल विवाह रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कई परिजन मजबूरी के चलते बाल विवाह करते हैं, तो कई वर्षों से चली आ रही परंपराओं के चलते बालक बालिकाओं के बाल विवाह कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सोमवार को लटेरी के ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिला, जब आदिवासी और गुर्जर बाहुल्य इलाके में 3 बाल विवाह हो रहे थे, जिसकी जानकारी 1098 पर मिली। तो शिकायत मिलने पर कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन की टीम लटेरी पहुंची, जहां पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचकर हो रहे बाल विवाह को रुकवाया और बालक और बालिकाओं की जब कागजात की जांच की गई, तो 14 से 16 साल उनकी उम्र पाई गई। टीम ने जब परिजनों को समझाने का प्रयास किया, तब काफी विवाद की स्थिति बन गई। परिजनों ने कई तर्क दिए, मामला बिगड़ता देखकर टीम को वहां से बहरांग लौटना पड़ा। जब टीम वापस लटेरी थाने पहुंची और टीम बाल विभाग की कानूनी प्रक्रिया कर रही थी, इसी दौरान बाल विभाग को रुकवा कर रेस्क्यू, तीनों बच्चों के परिजन का जमावड़ा लटेरी थाने में लगने लगा था। देर रात को जब टीम बच्चों को लेकर विदिशा आ रही थी, तो इसी दौरान परिजनों ने कार को घेर लिया और उनको वापस आने नहीं दे रहे थे। परिजन कार के सामने बैठ गए और कार को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। इसी दौरान पुलिस हाथ पर हाथ रखते देखती रही। लटेरी में विवाद की स्थिति बनता देखकर काउंसलर दीपा शर्मा ने बाल कल्याण समिति के सामने बच्चों को पेश करने की लिखित आश्वासन के बाद बच्चों को परिजनों को सौंपा। तब कहीं जाकर देर रात को बाल विवाह रोकने गई टीम लटेरी से निकल पाई। सबके सब जेल में जाओगे, जो नाबालिग बच्चों की शादी करवाने के लिए आप लोग मेहमान के रूप में आए हो, सबके सब जेल में जाओगे। ठीक है ना, नाबालिग बच्चों की शादी करवा रहे हो आप लोगों को पता है कितना बड़ा जुर्म कर रहे हो आप लोग।